जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में अनुवाद के बारे में अभ्यास करने वाले हैं। आपको पहचान एक परिच्छेद दिया जाता है और आपको अपनी मातृभाषा उसका अनुवाद यानी कि गुजराती में उसे भाषांतर बोला जाता है। तो आपको अपनी मातृभाषा में उसका अनुवाद है वो करना होता है। बच्चों, हमारी मातृभाषा यानी कि हमारी माँ जो बोलती है वह भाषा है, वह हमारी मातृभाषा है, यानी कि हमारी मातृभाषा गुजराती है। तो बच्चों, हमें जब भी ऐसा परिच्छेद देकर पूछा जाए कि अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, तभी हमें वह परिच्छेद है उसका अपनी मातृभाषा यानी कि गुजराती में उसका अनुवाद है वो करना होता है। अनुवाद करते समय कुछ ऐसी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। तो कौन से ऐसी बातें हैं जिसका हमें अनुवाद करते समय ध्यान रखना चाहिए, तो चलो बच्चों, आज हम इसी बात पर अभ्यास है वो करेंगे। तो बच्चों, पहला है मूल परिच्छेद के प्रत्येक शब्द अपनी मातृभाषा में प्रकट करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको जो परिच्छेद यानी कि जो पैराग्राफ है उसका प्रत्येक शब्द है वह अपनी मातृभाषा में ही आए, ऐसा प्रयत्न ऐसी कोशिश है वो करनी चाहिए। उसके बाद है अनुवाद में मूल परिच्छेद का कोई वाक्य या वाक्यांश छूटना नहीं चाहिए। यदि हम परिच्छेद यानी कि पैराग्राफ का अनुवाद कर रहे हैं तब उसमें से कोई वाक्य या वाक्य है वो हमसे छूटना नहीं चाहिए, यानी कि कोई शब्द है वो हमें भूलना नहीं चाहिए। जैसा परिच्छेद में दिया है वैसा ही परिच्छेद हम अपनी मातृभाषा में लिखना होता है। तो खास ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा शब्द कोई ऐसा वाक्य है वो हम लिखना भूलना चाहिए, वरना वह गलती कहलाती है। उसके बाद है अनुवाद में वाक्य रचना तथा मुहावरे आदि की ओर भी ध्यान देना चाहिए। कभी कभी परिच्छेद होता है उसमें आपको मुहावरा गुजराती में उसे रूढ़ी प्रयोग बोलते हैं, तो हिंदी का मुहावरा है उसको आपको अपने गुजराती के रूढ़ी प्रयोग में लिखना होता है। यानी कि अनुवाद में वाक्य रचना तथा मुहावरे आदि की ओर भी ध्यान रखना चाहिए। उन्हें वाक्य रचना किस प्रकार है और उस मुहावरे का गुजराती रूढ़ी प्रयोग का अर्थ क्या होता है उसी तरह हमें लिखना चाहिए। उसके बाद में अनुवाद में भाषा शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। हम जब अनुवाद यानी कि अपनी मातृभाषा में पैराग्राफ लिखते हैं तो हमारी भाषा है वो शुद्ध होनी चाहिए। जैसा हम बोलते हैं वैसा हमें नहीं लिखना। कभी कभी कोई लोग होते हैं वो च को स और स को छ बोलते हैं, हम जैसा बोलते हैं वैसा हमें नहीं लिखना, मगर हमें हमारी भाषा है वो शुद्ध लिखनी होती है। यानी कि अनुवाद में भाषा शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद वर्तनी सही होनी चाहिए। वर्तनी को गुजराती में झूरी रसवार दीर्घार यह सब वर्तनी है, तो हमें झूरी सही लिखनी चाहिए, उसमें गलती है वो नहीं करनी चाहिए। विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्ह यानी कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नार्थ चिन्ह, उद्गार चिन्ह, पैराग्राफ में जहाँ जो निशान यानी कि जो चिन्ह दिया गया है, जो विराम चिन्ह रखा गया है वह हम अनुवाद करते हैं तब हमें वहीं पर वहाँ वह विराम चिन्ह है वह रखना होता है। यदि हम परिच्छेद लिखते हैं और कहीं पर अल्प विराम है, मगर हम जब अनुवाद करते हैं तब वहां पर
अल्प विराम है वो रखना भूल जाते हैं, तो वह हमारी गलती है वो कहलाती है, और परीक्षा में हमारा मार्क्स है वो वहां कट होता है। तो बस ये अनुवाद करने के सारे ध्यान में रखने योग्य बाबते हैं, जिसका आप ध्यान रखोगे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से परिच्छेद का अनुवाद है वो कर पाओगे। बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य है वो लिखे हैं और जिसका अनुवाद हमें करना है। अनुवाद हमें हमारी मातृभाषा यानी कि गुजराती में करना है। तो बच्चों हम एक बार देखते हैं कि कैसे यह अनुवाद होता है। तो पहला वाक्य है कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, कमल यानी कि कमल। तो बच्चों हिंदी में का ऐसे लिखा जाता है और हमारी मातृभाषा गुजराती में क है वो ऐसे लिखा जाता है, यानी कि जब हम लिखे तब हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे मातृभाषा में यह शब्द कैसे लिखा जाता है। तो कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है इसका हमारी मातृभाषा यानी कि गुजराती में अनुवाद होगा कमल हमारा यानी कि आपलोग राष्ट्रीय का राष्ट्रीय रहेगा, फूल का फूल एकाच है और अंत में आएगा पूर्ण विराम। तो यहाँ पर भी मैंने पूर्ण विराम की निशानी की है यानी कि कमल आपलोग राष्ट्रीय फूल छे। उसी तरह दूसरा मधुमक्खियां फूल पर बैठती है तो इसका गुजराती होगा मधुमक्खियों फूल पर बैठे छे। અને અંતમાં જ્યારે પૂર્ણવિરામની નિશાની આપી છે તો ત્યાં પણ પૂર્ણવિરામની નિશાની છે એ અચૂક કરવી જોઈએ। ત્યારબાદ ત્રીજું વાક્ય છે મુજે યે બેલગાડીનું નામ પસંદ હે, તો તેનું ગુજરાતી થશે મને બળદગાડાના બેસવું ગમે છે। બાળકો ખૂબ જ સરળ અનુવાદ છે એ તમે કરી શકશો જો આ બધી બાબતો છે ધ્યાનપૂર્વક સમજો અને યાદ રાખો તો અનુવાદમાં જે તમને માર્ક્સ મળે છે 5 તે તમે સરળતાપૂર્વક મેળવી શકો। બાળકો આપણે ક્રિયા વિશે ભણ્યા, વચન વિશે ભણ્યા અને આજે આપણે અનુવાદ વિશે પણ ભણ્યા આ વિડિયો છે તેને ધ્યાનપૂર્વક તમારે નિહાળવાનું છે અને તેને સમજવાની કોશિશ કરવાની છે। આગળના ક્લાસમાં આપણે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી જય સ્વામિનારાયણ।